अरे सीट यार, अभी मैं जा रहा था और मैं ना गोबर में गिर गया और देखो मेरे ऊपर कितनी मक्खियां भी नकरी हैं। और यार मेरे यार सर पे तो गोबर भी लग गया काफी सारा। मेरे को जल्दी से घर पे जाके ना नहाना पड़ेगा। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर से ना बहुत ही गंदी बदबू आ रही है यार। आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे यार। मेरा ना पैर फिसल गया और मैं बहुत बड़े गोबर में गिर गया। मेरा सर लगा गोबर में और वो सारा गोबर मेरे सर पे चिपक गया। अरे ये कौन है, इससे पूछता हूँ, क्या पता इसके पास पानी हो। अरे भाई तेरा घर आस पास में है क्या, तेरे पास पानी है भाई, प्लीज मेरे को पानी दे दे। देखियो भाई बहुत मक्खी भी लग रही है। अब कौन आ गया, ये बड़ी 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 बदबू आ रही है, पता नहीं कौन आ गया यहाँ पे, उठ के देखना पड़ेगा। आज लगता है मेरा सबका जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाएगा। अरे अरे तू तो मेरा पड़ोसी है, तेरे ऊपर गोबर लग गया, बहुत अच्छी बात है। हो हाँ, मैं तो बड़ा ही खुश हुआ तेरे ऊपर गोबर लग गया, चल निकल यहाँ से, बदबू आ रही है तेरे अंदर से। अरे भाई प्लीज पड़ोसी मेरे को पानी दे दे भाई अपने घर से लाके। अब जाना मैं क्यों लेके आऊँ, चल निकल यहाँ से। अरे यार ये जो मेरा पड़ोसी है ना ये बहुत ही खड़ूस है, मुझे पता था ये पानी लाके कहीं से देगा नहीं। कोई बात नहीं पड़ोसी, मैं तेरे को बताऊंगा, अब ना तेरे घर के आगे कूड़ा मैं फेंक करूंगा। अब जा फेंक के देखो, जल्दी जाना पड़ेगा मेरे को घर पे, बस कोई मेरे को देख ना ले वरना तो मेरी बहुत गंदी बेइज्जती हो जाएगी। यार सच बता रहा हूँ मेरे अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अरे बाप रे, ये सामने कौन खड़ा है यार, कहीं ये देख ना ले मेरे को, जल्दी जाना पड़ेगा। ये अच्छा हुआ मेरा दोस्त नहीं है ये। अरे ये बदबू आ रही है इसके अंदर से, तो जल्दी भागो जल्दी जल्दी भाई, उसको भी बदबू आ गई। यार मेरा कोई दोस्त ना मिल जाए और सिंचन का भी कोई दोस्त ना दिख जाए। अगर सिंचन के किसी दोस्त ने मेरे को देख लिया तो वो तो मेरा बहुत ही मजाक उड़ाएंगे। और ये जो मक्खी है ये मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही यार, मेरे पीछे पीछे आ जा रही है यार। ये मक्खी भी ना हमेशा यार गोबर पे ही आती है और मेरे सर पे तो गोबर लग रहा है। चलो फाइनल यार अपने घर पे तो मैं आ गया, लेकिन ये मक्खी भी मेरे साथ साथ आ गई। अब जाके फटाफट से नहा लूंगा तो ये सारा गोबर वोबर सब हट जाएगा और बदबू भी खत्म हो जाएगी। सिंचन भाई कहाँ है तू? अरे यार फिंगल पे देखो यार ट्रॉफी। अबे ये ट्रॉफी कहाँ से आ गई सिंचन तेरे पास? अरे यार ये बताओ पहले तुम, ये बदबू कहाँ से आ रही है फिंगल भाई, और ये मक्खी कैसे तुम्हारे सर पे घूम रही है? अबे सिंचन तू मत पूछ यार, अभी मैं पता यार गोबर में गिर गया और मेरे सर पे यार देखियो गोबर लग गया। और सिंचन ये मक्खी यार गोबर पे आ रही है, मतलब मेरे सर पे आ रही है, मेरे सर पे गोबर लगा है ना। अरे फ्रेंगल भाई तुमको एक बात बताऊं, ये जो ट्रॉफी है ना फ्रेंगल भाई, वो जो हमारे घर के पास पहाड़ी है ना वहां पे पड़ी हुई थी, मैं तो लेके आ गया। बहुत बढ़िया सिंचन, ये तो तूने बड़ा अच्छा करा, लेकिन पहले मैं नहा लेता हूँ, मेरे को भी बहुत गंदी बदबू आ रही है। अरे यार ये मक्खी तो भाई यहाँ स्विमिंग पूल में भी पीछा नहीं छोड़ रही, पता नहीं कहाँ कब जाएंगी यार। ये पानी में भी आ रही है, पता नहीं कैसी मक्खी है। और ये गोबर भी कैसा यार, ये तो छूट भी नहीं रहा मेरे सर पे, पता नहीं कैसे चिपक गया। अरे यार बड़ा डर लग रहा है मेरे को, अगर ये छूटा नहीं तो मैं क्या करूंगा, फिर तो मैं घर के बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा और ये मक्खी भी हमेशा मेरे साथ साथ रहेंगे। अब भाईसाब कल क्या करके आ रहा भाईसाब, ये तो तूने गोबर लगा लिया भाईसाब, किसका गोबर लगा लिया? अबे चौप मत पूछ भाई, पता नहीं किसका गोबर था। अब भाईसाब कल इतनी मक्खी तो भाईसाब मेरी पोटी पे भी नहीं आती जितनी तेरे सर पे घूम रही है। अबे चौप के बच्चे चुप कर जा। अब भाईसाब कल पहले तो तू मेरे सामने चढ़ जा भाईसाब कल, बहुत ही गंदी बदबू आ रही है तेरे में से, मुझे ये दोबारा नहाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, इस बार तो मैं पानी के अंदर घुस गया और ये मक्खियां देखो भाई पानी के अंदर भी घुस गई। ये कैसी मक्खियां है और ये कैसा गोबर भाई, छुटने का नाम नहीं ले रहा। और ये मक्खियां तो पानी के अंदर भी चली जाती है। अरे यार फ्रेंगल भैया यार फटाफट से यार कपड़े वपड़े डालो और यार गोबर वोबर डालो यार, बहुत गंदी बदबू आ रही है, तुम मैं से सच बता रहा हूँ। सिंचन तू क्या ही सच बता रहा है, मेरे को भी पता है मेरे अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है, लेकिन सिंचन कुछ बताना यार मैं कैसे जुटाऊ, मैं नहा भी लिया भाई जब भी ये गोबर हट नहीं रहा। अरे यार फ्रेंगल भाई काम करो यार, क्या करना चाहिए फ्रेंगल भाई, मुझे भी नहीं पता यार कैसे छुटेगा ये। चलो सिंचन के घर पे चलता हूँ खेलने के लिए, अपने घर पे तो मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था। घर पे रहूंगा तो मम्मी काम बताती रहेंगी, ये कर ले बेटा ये कर ले, इसलिए मैं सिंचन के घर पे ही आ गया खेलने के लिए, कम से कम यहाँ पे खेलूंगा तो सही। ओए मेरे सिंचन दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, नन्ने मुन्ने दोस्त, तेरे घर पे आ गया मैं, बहुत ही मजा आएगा आज तो खेलने में। अरे सिंचन ये तो भाई लिटिल सिंघम की आवाज है, सिंचन लिटिल सिंघम को ना मेरे बारे में कुछ मत बताइयो, मैं काम करता हूँ फटाफट से कहीं छुप जाता हूँ यार, बस लिटिल सिंघम को ये महक ना जाए मतलब बदबू ना जाए, ये लो यहीं पे छुप जाता हूँ। हाँ लिटिल सिंघम भाई आया तो नहीं, बस वो मेरे को यहाँ पे देख ना ले। अरे भाई यार ये ट्रॉफी कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम ओपी है यार ये तो मेरी तरह। अच्छा हुआ ये ट्रॉफी मेरे को मिल गई, अब तो लिटिल सिंघम को दिखाऊंगा, लिटिल सिंघम भी घर पे आ गया। ओए लिटिल सिंघम भाई आजा भाई, कहाँ रुका हुआ है? अरे वाह नन्ने मुन्ने दोस्त आ गया तू। अरे एक तो मेरे को नन्ने मुन्ने दोस्त मत बोल, मेरा नाम सिंचन है, सिंचन बोला कर। हाँ सिंचन भाई चल खेलने चले, एक बार एक काम कर तू पहले ना नीचे चल, तेरे को एक चीज दिखानी है। अबे सिंचन तेरे पास क्या आ गया, तू क्या दिखाएगा? अरे आते सही तुझे पता है मैंने ट्रॉफी जीता हूँ, ट्रॉफी मैंने रेस करी थी। अच्छा सिंचन भाई कौन सी रेस करी थी, तूने मुझे नहीं बताया। अरे आते जा भाई कहाँ रह गया, आ गया। अरे वाह सिंचन ये ट्रॉफी तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन कौन सी रेस जीत ली तूने? देख ले भाई मैं तो ट्रॉफी जीतता रहता हूँ, ऐसा ही हूँ मैं, हाँ जहाँ भी जाता हूँ ट्रॉफी जीत के आता हूँ। लेकिन सिंचन भाई ये बदबू कहाँ से आ रही है तेरे घर में भाई, बड़ी गंदी बदबू आ रही है, तूने क्या कर रहा है भाई घर में, तूने पोटी वोटी कर ली क्या कच्चे में? अरे ज्यादा मत बोल बता रहा हूँ, वरना तेरे को पानी में गिरा दूंगा। अबे सिंचन पानी में तो मुझे तुझे गिराना चाहिए, क्योंकि तूने कच्चे में पोटी कर रखी है, जब भी तो बदबू आ रही है इतनी। अरे यार तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, तेरे को मैं सच्चाई भी तो नहीं बता सकता कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। अबे सिंचन बताना सच्चाई बता, वरना मैं समझूंगा कि तूने अपने कच्चे में पोटी कर दी। सिंचन अब देख सब मैं पहला कहता हूँ, सारे दोस्तों को बता दूंगा कि तूने कच्चे में पोटी करी है। अरे
बड़ी हुई लिटिल सिंगम के बच्चे, चल निकल, मैं तेरे से कुट्टा हो गया, अब तू ना मेरे से कभी बोलिए मत, है ना, अब तू मेरा दोस्त नहीं है। अब सिंचन एक काम करता हूँ, तेरी ट्रॉफी ले जाता हूँ, उस ट्रॉफी को ना हाथ भी मत लगा लियो, बता रहा हूँ, वरना तेरे को गिरा गिरा के मारूंगा। अब सिंचन गुस्सा क्यों रहा है भाई, मजाक ही तो कर रहा था। अरे तूने मुझे गिरा दिया है, चल अब तो मैं तेरी पक्का ही कुट्टा हो गया, अब ना तू मेरे से कभी बोलिए मत। हाँ सिंचन सही बात है, ना तू मुझसे बोल ना मैं तेरे से बोलूंगा। बस सिंचन देख, जितने भी अपने दोस्त है ना सबको बताऊंगा कि तूने कच्चे में पोटी कर रखी है। जब बता दे है, मैंने तो करीब ही नहीं है, जब बता दे जा। तो सिंचन तू सच्चाई क्यों नहीं बताता भाई, इतनी गंदी बदबू आ कहां से रही है, जाने में तेरे को कुछ नहीं बता रहा, निकल मेरे घर से, चले जा वरना ना चौप को बुला लूंगा, चौप तेरे पैर को देड़ देगा काट काट के। अब चौप का नाम मत ले, चौप भाई बहुत खतरनाक है, उसके दांत बहुत पहने हैं, अगर एक बार उसने मेरे काट लिया ना भाई साहब खून ही खून निकल जाएगा। हाँ तो फिर निकलना, यहाँ पे क्या खड़ा है, निकल जा। चल ठीक है सिंचन, मैं जा रहा हूँ, देख सबको बताऊंगा सिंचन ने कच्चे में पोटी कर ली, मजा आएगा। अब तो सिंचन गया, अब सब दोस्तों मैं फैला दूंगा कि सिंचन ने कच्चे में पोटी करी है, सब लोग सिंचन का मजाक उड़ाएंगे, बहुत ही मजा आ गया आज तो। अरे लगता है ये लिटिल सिंगम चले गया, लेकिन यार इसने तो सिंचन की काफी बेइज्जती कर दी। अरे यार फ्रेंगल भाई, यार तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई, और वो जा रहा है यार, सभी दोस्तों को बता देगा यार कि मैंने कच्चे में पोटी करी है। अबे तो सिंचन तू काय को डर रहा है, तूने करी थोड़ी ना। अरे तो फ्रेंगल भाई तुम्हारे चक्कर में यार मेरा तो झूठा झूठा नाम लग गया ना। अबे सिंचन कुछ नहीं होता, ये सोच सिंचन के यार ये गोबर मैं कैसे हटाऊं, ये जो मेरे सर पे लग गया, अरे यार ये मक्खी कितनी सारी आ रही है फ्रेंगल भाई तुम्हारे ऊपर, तुम इरिटेट नहीं हो रही क्या? नहीं सिंचन इरिटेट तो नहीं हो रहा मेरे सर पे, सिंचन आधे घंटे से ये मक्खियां भिनक रही है, मेरे को तो सिंचन अब आदत हो गई यार। अरे मैंने अपनी ट्रॉफी यहीं पे रखी थी, पता नहीं यहाँ से कहाँ गायब हो गई, वो मेरे पापा की ट्रॉफी थी, अगर वो घर पे लेके नहीं गया तो वो तो मेरा टाटी फोड़ देंगे मार मार के, अब क्या करूँ, कहाँ से ढूंढूं वो ट्रॉफी। चलो एक अपना रिमोट ही निकाल लेता हूँ, मेरा रिमोट मेरी ट्रॉफी तक मुझे पहुँचा देगा। हाँ ये सही रहेगा, वरना तो पापा मार मार के मेरी टाटी फोड़ देंगे। चलो निकालता हूँ मेरा रिमोट, हाथों में आ जाए मेरे, बहुत बढ़िया, मेरे हाथ में मेरा रिमोट आ गया। चल मेरे जादू रिमोट मेरे को मेरी मंजिल तक पहुंचा दे, जहाँ पर भी मेरा रिमोट है, आहा हा सिग्नल तो देने लग गया, यहीं आसपास वाले घर मेरी ट्रॉफी है, चलो चलते हैं फटाफट से, उतर उतर के मजा आएगा, मेरी ट्रॉफी मेरे को मिल जाएगी, ये मेरा जादू रिमोट तो कमाल का है। बस बेटा तू मेरी ट्रॉफी तक मुझे पहुंचा दे, आई मीन मेरे पापा की ट्रॉफी तक, फिर तो मैं तेरे को लड्डू खिलाऊंगा, वैसे भी ये मशीन है ये कहीं लड्डू खा पाएगी। चल मेरे जादू रिमोट दिखाता रहे बस सिग्नल, यहीं कहीं पे आसपास ट्रॉफी है, जल्दी चलता हूँ, आहा हा सिग्नल सिग्नल दे दे, आ मिल गई ट्रॉफी, वो खड़ी मेरी ट्रॉफी, वाह मेरे प्यारे रिमोट तेरी क्या ही बात करूं मैं, मजा ही जा गया, मेरा रिमोट तो एकदम लाजवाब है, मेरे पापा की ट्रॉफी तक मुझे पहुंचा दिया, बहुत ही बढ़िया, तालियों के साथ स्वागत करूंगा अपने और अपने रिमोट का। अबे सिंचन वो बुड्ढा हमारे घर में आके ताली काय को बजा रहा है, पता नहीं फ्रिंगल भाई ट्रॉफी के आगे खड़ा होकर ताली बजाया जा रहा है, ओए बाबा यहाँ पे तो ताली काय को बजा रहा है। अरे मेरी ट्रॉफी मुझे मिल गई, ताली ना बजाऊं तो क्या करूं मैं, तो बड़ा ही खुश। अरे बेटा अरे गिराएगा क्या बेटा है, बाबा हूँ बेटा, बाबा जादू बाबा हूँ बेटा, मेरी ट्रॉफी मुझे मिल गई तो मैं तो बड़ा ही खुश हूँ। अरे बाबा ये ट्रॉफी तुम्हारी नहीं है, पहले बता रहा हूँ ट्रॉफी मेरी, इसको हाथ भी मत लगा लेना। अरे बदबू आ रही है, अरे सिंचन ये तो बेहोश हो गया बाबा। अरे यार फ्रेंगल भाई लगता है यार गोबर की बदबू से बेहोश हो गए फ्रेंगल भैया, अब क्या करें सिंचन, इसको जिंदा कैसे करें, एक काम करता हूँ इसको ना स्विमिंग पूल में डाल देता हूँ सिंचन, ये ऑटोमेटिकली जिंदा हो जाएगा। हाँ फ्रेंगल भैया यार जो भी बेहोश हो जाता है ना उसके मुंह पे पानी फेंकना चाहिए, फिर वो ना एकदम होश में आ जाता है। चल सिंचन ये ले बाबा, तुझे भी मैं नीचे लेके आ गया पानी के अंदर, अब तो होश में आ जा बाबा। अरे यार इस बाबा को क्या हो गया, होश में क्यों नहीं आ रहा, वो देखो चढ़ गया ऊपर, चलो अब मेरे को भी ऊपर चढ़ जाना चाहिए। अरे अरे कितनी गंदी बदबू, इतनी गंदी बदबू आज तक मैंने कभी नहीं सूंघी बेटा, तेरे मुंह पे गोबर कहां से लगा है? अरे बाबा मुंह पे नहीं मेरे सर पे लगा हुआ है, अभी गायब करता है इसको, अंतर जादू की छड़ी गायब कर दे। अरे बहुत ही बढ़िया गायब हो गया, अरे सिंचन मजा ही आ गया भाई, मेरे सर से तो गोबर गायब हो गया। अरे वाह फ्रेंकल पे यार बदबू भी गायब हो गई। अरे बेटा क्या करता डोलता है, तुझे अच्छा लगता है कि अपने सर पे गोबर लगाना? अरे बाबा मैं क्या बताऊं मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, वो गोबर पता नहीं कैसा था मेरे सर पे चिपक गया और छूटने का नाम ही नहीं लेता। चलो आप भी अपने घर पे खिसक लो। अरे बेटा ऐसे कैसे खिसक जाऊं बेटा, अपनी ट्रॉफी लेके खिसकूंगा मैं तो। अरे बाबा यार ट्रॉफी को छू भी मत लेना, मेरी प्यारी ट्रॉफी है मेरे को मिली थी। अरे बेटा मेरे पापा की ट्रॉफी है बेटा, अगर नहीं लेके गया तो मेरे टाट फोड़ देंगे वो, डंडा मार मार के अंडा निकल जाएगा मेरे सर में से। तो बाबा आप करें क्या यार, सिंचन तो आपको ट्रॉफी देने वाला है नहीं। अरे बेटा ट्रॉफी दिला दे कुछ भी करके। बाबा अगर आप सिंचन को रिमोट कंट्रोल कार दिला दो और मेरे को नए कपड़े दिला दो तो क्या पता सिंचन आपको ट्रॉफी दे दे। अरे नए कपड़े, अच्छा बेटा तुम्हें मतलब जादू ही चाहिए? अरे नहीं बाबा जादू ही वादू ही नहीं चाहिए, हमको हमारे कपड़े दिला दो। अरे नहीं फ्रेंगल भाई कपड़े नहीं यार, रिमोट कंट्रोल कार चाहिए बाबा, रिमोट कंट्रोल कार दिला दो। चलो बेटा मैं निकलता हूँ ये ट्रॉफी लेके, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा ठीक है। अरे यार फ्रेंगल भाई वो बाबा कहाँ गायब हो गया यार मेरी ट्रॉफी लेके फ्रेंगल भाई, वो तो चले गया। अबे सिंचन वो बाबा कैसे गायब हो गया? अरे फ्रेंगल भाई बस वो बोल के चले गया, मैं जो चाहिए वो मिल जाएगा। अरे यार सिंचन काश यार मेरे कपड़े बदल जाते ना तो मजा आ जाता और तेरी रिमोट कंट्रोल कार मिल
जाती। अब सिंचन मेरे तो कपड़े चेंज हो गए। अरे फ्रिंगल भाई मेरे भी कपड़े चेंज हो गए। बहुत बढ़िया सिंचन यार, मैंने बोला कपड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। देख सिंचन हमें अपने कपड़े मिल गए। अब भाई गाड़ी के बारे में सोचता हूँ। सोचे फ्रिंगल भाई यहाँ पे यार एक गाड़ी होती ना तो मजा आ जाता बड़ी वाली। ओ सिंचन देख कितनी बड़ी कार आ गई। अरे वाह फ्रिंगल भाई वो बाबा ये वरदान देके गया है क्या तुमको? हाँ सिंचन तू भी तो मेरे साथ ही खड़ा हुआ था। लगता है सिंचन ये बाबा हमको वरदान देके चले गया। हम जो सोचेंगे शायद वो हमारे सामने आ जाएगा। चल सिंचन भाई बहुत कुछ मांग लेते हैं अब तो। तो गाइस अभी पूरे 4 घंटे बीत चुके हैं और यहाँ पर देखो गाइस मैंने कितने सारे पैसे मांगे। हाँ फ्रिंगल भाई अच्छी बात है यार, बहुत सारे पैसे मांग लिए। कहीं फ्रिंगल भाई वो बाबा आ जाए और तुमसे ये वरदान छीन ले। अच्छा हुआ तुमने एक साथ सब कुछ मांग लिया। और यहाँ पे देखो गाइस मैंने बहुत सारी टॉय वाली कार मांग ली है। सिंचन इसे चलाता रहेगा पूरे दिन भर, वो कभी टॉय वाली कार मेरे से मांगेगा नहीं, इसलिए मैंने एक साथ बहुत सारी टॉय वाली कार मांग ली। बोलते रहो फ्रिंगल भाई अच्छी बात है, एक साथ तुमने सब कुछ मांग लिया वरना बाबा दोबारा आके ना तुमसे पावर छीन लेगा। और गाइस यहाँ पे देखो मैंने गोल्ड की गाड़ी मांगी है। गाइस यहाँ पे जितनी भी गाड़ी देख रहे हो ना मेरे घर के बाहर, ये सारी की सारी गाड़ी गाइस मेरी है। मेरे को ना गाइस गोल्ड की गाड़ी बहुत ही प्यारी लगती है, इसलिए मैंने तो अपने लिए गोल्ड की गाड़ी मांग ली। आजा सिंचन तू भी फटाफट से ऊपर आजा, ये चढ़ गया बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखो गाइस मेरी छत पे कितना सारा गोल्ड है। मेरे को ना गाइस गोल्ड से बहुत ही प्यार है, इसलिए गाइस मैंने बहुत सारा गोल्ड भी अपनी छत पे मांग लिया। और गाइस मैं इस गोल्ड को बेचूंगा ना तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक गोल्ड का हेलीकॉप्टर भी मांग रखा है, ताकि गाइस अगर हमें घर पे मन ना लगे तो हम फटाफट से हेलीकॉप्टर में बैठे और आसमान की सैर करके आ जाए, बहुत मजा आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखो गाइस अपनी गोल्ड की सुपर कार है भाई। अब तो गाइस कोई टेंशन नहीं, कभी भी बोर होगा अपनी सुपर कार उठाई, कहीं भी जाना होगा सुपर कार से जाएंगे। और यहाँ पर गाइस देखो यार मेरी बाइकों की कलेक्शन, मैंने बहुत सारी बाइकें मांग ली है यार, बहुत खुशी होती है गाइस ये सब देख के यार, मजा ही आ गया। और गाइस ये जितना भी सामान है ना यहाँ पे, जितना गाइस इस पे हमारा हक है उतना गाइस आप लोगों का भी हक है, क्योंकि गाइस आप सारे लोग यार हमारे एकदम प्यारे वाले दोस्त। हाँ गाइस यार अब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो ना यार, आप लोग मेरे एकदम प्यारे वाले दोस्त और मैं भी आपका एकदम प्यारे वाला दोस्त। और गाइस यार जितने भी लोग मेरे दोस्तों ने यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट से। देखना फ्रेंगल भाई जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना सारे मेरे पक्के वाले दोस्त हैं। गाइस आप लोग फटाफट से यार इस वीडियो पे लाइकों की बरसात करा दो यार, सारे लोग लाइक करो वीडियो को और कमेंट करके यार सिंचन ओपी लिख दो और लाइकों की बरसात करा दो यार। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइस प्यारा वाला बाय।